यीशु ये बातें कहकर चला गया और उसने अपने आप को छुपा दिया। अगरचे उसने उनके सामने इतने मोजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यसाया ने फिर कहा, खुदा ने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिलों को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शफा बख्शूं। यसाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने यीशु का जलाल देखा और उसके बारे में कलाम किया। तो भी यहूदी सरदारों में से भी बेहतरे यीशु पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही कलाम उसे मुजरिम ठहराएगा। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसने मुझको हुक्म दिया है क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं।